सूरज की मौत का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है, जिससे नाराज सूरज के परिजन और सूरज के दोस्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मुख्य द्वार पर आज तीसरे दिन भी डटे रहे। परिजनों का कहना है कि जब तक सूरज के हत्यारे पकड़ में नहीं आते तब तक ये धरना स्थल पर ही डटे रहेंगे। पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनशन पर बैठे परिजनों को समझाने का प्रयास किया, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी नहीं माने। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे कहीं नहीं जाएंगे। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व काबीना मंत्री हरीशचंद्र दुर्गपाल ने कहा कि उनका पीड़ित परिजनों को पूरा समर्थन है। उन्होंने जिले के कप्तान से दूरभाष पर बात की और आश्वासन मिला कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ हो जाएगी। वहीं मृतक सूरज की बहन सपना सक्सेना ने बताया कि वे बिना किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए यहां अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक कातिलों को पकड़ा नहीं जाता तब तक वे कहीं नहीं जाएंगे। कि आज 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया और नानगमत्ता से यहाँ करके लोग धरने में बैठे, महिलाएं बैठे हैं, उनके परिजन माता पिता बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं। ये बड़ा भारी चैलेंज पुलिस को इन्होंने दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई अरेस्टिंग की नहीं हुई है। अभी मेरी SSP से बात हुई है और सूरज के स्वर्गीय सूरज के पिताजी के सामने भी मैंने बात की है। उनको बताया कि उनका ये कहना है कि कल तक हम अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करने के बाद अब इनका ये कहना है कि जो उस पर जो दफाएँ लगे हैं, इससे 302 लगी नहीं, मतलब 301 उसको जिस तरह से मारा पीटा है, गंभीर चोटें उसको शरीर पर लगाई हैं, तो उस पर गंभीर दफाएं भी लगनी चाहिए, ये परिजनों का कहना है। तो SSP ने कहा कि 302 तो इसमें हमने इसमें लगाई है और कल तक हम अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद पुलिस रिमांड में लेकर के पूछताछ होगी। तो परिजनों का ये कहना है, उनके पिताजी का ये कहना है कि रिमांड में वो सारी चीज़ों का खुलासा होना चाहिए कि किस ढंग से मारा गया, किस ढंग से उसको पीटा गया, किस ढंग से उसको उसके शरीर को नुकसान पहुंचा के उसको मौत के घाट उतारा गया, इसका पूरा सा खुलासा होना चाहिए, इनका कहना है। तो निश्चित रूप से इस बारे में भी DIG से मैं भी बात करूंगा और पुनः SSP से इसमें बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, शासन से बात करेंगे। और गंभीर मामला इसलिए है कि नानकमत्ता से यहाँ ये लोग पहुँचे हैं, लगातार 11वें दिन यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, ये तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, देखिए कल क्या होता है। कल के लिए कहा है कि अरेस्ट करेंगे तो कल के बाद अग्रिम कार्रवाई भी देखी जाएगी। यही कि हम लोग ऐसे ही धरने पे लगातार बैठे रहेंगे, इसके 2 दिन का उन्होंने हमसे समय मांगा है, हमने भी बोला ठीक है, हम लोग 2 दिन तक लगातार धरने पे हैं। अगर इन 2 दिनों के अंदर पुलिस ने सारे कातिलों को पकड़ के कार्रवाई नहीं की तो फिर आगे जनता आक्रोशित है, वो अपना आक्रोश दिखाएगी, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। सूरज और सूरज का परिवार इस आक्रोश के पीछे बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आय का जो भी, अगर मान लीजिए सरकारी संपत्ति को कुछ भी क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन ही होगी। किस तरीके शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग का आंदोलन लगातार जारी है, कितनी उम्मीद लगती है कि कुछ हो सकता है? उम्मीद तो हमें पूरी है कि प्रशासन ने जैसे कल आकर के हमको सभी ने आश्वासन दिया है कि अगले 2 दिनों के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, मुजरिमों को सजा मिलेगी, हम भी उसी भरोसे में अगले 2 दिन तक यहाँ पे शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। पिछले 3 दिनों से हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं और आगे भी हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। क्षेत्र की जनता का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था और सब कुछ कैसा लग रहा है? यहाँ की जनता हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, उनके सहयोग की वजह से हम लोग यहाँ इतनी शांतिपूर्वक इतने अच्छे ढंग से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं। वो हमारे खाने पीने की, रात्रि विश्राम की, हमारे लिए पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ गांव के लोग ही हमारी सारी व्यवस्था करवा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा हमें यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला है। कुल मिलाकर के जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं। हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा।